जाति के लोग भी आए, किसी ने एक ईंट रखने के लिए भी नहीं सोचा। आपने तो शुरुआत जब चीज से की तो पहला ईंट आपने यही रखा, ये निश्चित रूप से यही है आशीर्वाद। और निधि आपकी नहीं भी लागू होती थी, किसी और से भी निधि दिलाने का काम करते थे, ये आपकी निष्ठा ही यहाँ के शहीदों की और ऊंचाइयों को ले जा। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी नौजवान बंधुओं को नमस्कार करते हुए, बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए संचालक महोदय का आदेशानुसार भाई सुशील सिंह जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शहीद धीरज सिंह जी आवे और दो शब्द इन शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय मधुकर सिंह जी, हमें उनके पद चिन्हों को आज के दिन संकल्पित दिवस है, संकल्प का दिन है कि हमारे सुपूतों ने जिस नजरिया से हम सबको देखा कि हमारे आने वाले की विदेश गुलाम था तो आप क्या करते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर आजाद किया और सोने का चिड़िया कहे जाने वाले भारत को हमको सौंप दिया। इस सोने की चिड़िया को भारत को आपको संभालना है। सहयोग से मैंने एक प्रस्ताव रखा जिसको उन्होंने स्वीकृत कर लिया, कि अब जब तक जिला पंचायत रहेगा, जब तक यह मंच रहेगा, यह कार्यक्रम रहेगा, सारा खर्च बंद करने का काम करेगा। हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं, भाई ध्यान जिस समय हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़कर क्षेत्र में अलग जगह जाएगा, वो जानते थे पकड़े जाने पर संगीनों से खेला जाएगा, वो जानते थे पकड़े जाने पर तोप के मुंह का बांध कर उड़ा दिया जाएगा, वो जानते थे, वो ये भी जानते थे हो सकता है मेरे बाल बच्चों को भी जब्त किया जाए, मेरे घर को भी जला दिया जाए, लेकिन वो देश को आजाद कराने के पीछे कभी नहीं आए। और उनका जो ये देश के प्रति समर्पण भाव है और हम जो कुछ देना चाहते हैं, हमें और आप भी कृपया आप लोग अच्छे वक्त इसलिए जानते हैं, लेकिन समय का जरूर होगा। धन्यवाद चंदौली सीमांचल के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सुनील सिंह जी, श्री सभा में उपस्थित प्रखंडिया के विधायक आदरणीय श्री प्रमोदनाथ यादव जी, आज हम सबके लिए अपने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अपने उन वीर शहीदों को जिन्होंने 16 अगस्त 1942 में अपनी शहादत दे करके हमारे महमूद सिंह जी, हीरा सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी ने और इनके साथ जो उसके मुखिया थे कामता प्रसाद विद्यार्थी जी ने भारत माता का झंडा लेकर के उनके साथ 10,000 की संख्या में लोगों ने इस क्षेत्र के लोगों ने थाने का घेराव किया। उसमें यहाँ के वर्तमान थानाध्यक्ष ने गोलियाँ चलाई जिसमें हमारे तीन हमारे वीर सपूत मौके पे ही शहीद हो गए। उसके बाद भी अग्नुबिंद जी, तमाम ऐसे चिकनू चमार जी, तमाम लोग शहीद हुए। उन सभी शहीदों को आज नमन करने का दिन है। आज हमारा यह पूरा क्षेत्र इस शहीद दिवस को शहीदी के रूप में मनाने का काम करता है। आज आपने देखा होगा कि सभी दल बल, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हैं। कितनी प्रेरणा मिलती है, आप लगातार चौथी बार विधायक हैं, लगातार यहाँ आ रहे हैं, देखिए जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो एक कुएं पे छोटा सा कुआं था टूटा फूटा, वहाँ पे हम लोग शहीद दिवस यहाँ के समिति के लोग मनाते थे और उसमें मेन सबसे बड़ी भूमिका रही चाचा हवलदार सिंह जी की, चाचा ये अपने लालचंद सिंह जी की और समिति के लोगों की। इन लोगों ने हम लोगों को जागरूक किया और हम लोगों को भी लगा कि जिन शहीदों ने
इस धरती का एक इतिहास बनाया है कि भारत माता का झंडा लगाने के लिए उनके ऊपर गोलियां चल गई, उनके नाम पे कुछ होना चाहिए। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से जो आप यहाँ आज देख रहे हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ये उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से ऐसा है। और इस वीर सपूतों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, देश हमारा आगे बढ़ा है तो इन्हीं लोगों की देन है कि आज देश हमारा आज़ाद है। और आज़ाद में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया में भारत का नाम इतिहास में कायम कर दिए हैं, वह भी आने वाले समय में याद किया जाएगा।